मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा को शिकस्त देने की बात करने वाली कांग्रेस के सामने पहले चुनौती है अंतर्कलह से निपटने की। गुटबाजी की शिकायतों के बाद दतिया पहुंचे पर्यवेक्षकों के सामने जो हुआ उसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए खबर। ये धक्का मुक्की, ये विरोध, ये बीच बचाव, अपनों पर उठते अपनों के हाथ, या यूं कहें कि कांग्रेस की अंतर्कलह का एक और उदाहरण। जी हां, उपचुनाव की पथरीली राह को आसान करने, विरोधियों को शिकस्त देने के मकसद के साथ एक छत एक झंडे के नीचे एकजुट हुए कांग्रेसी दरअसल मन से एक नहीं। मनमुटाव की ये तस्वीरें दतिया से उस वक्त सामने आई जब प्रदेश संगठन ने जिला कांग्रेस में गुटबाजी की मिल रही शिकायतों के बाद पर्यवेक्षकों की टीम भेजी थी। शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कांग्रेस की बैठक में पर्यवेक्षक पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह गुंदेला और छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पहुंचे थे, लेकिन ये बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। कांग्रेस दो गुटों में बटी दिखी, एक गुट जिला अध्यक्ष नाहर सिंह यादव के पक्ष में तो दूसरा विरोध में नजर आया। नाहर सिंह इस विरोध को साजिश बताते नजर आए तो वहीं दूसरी ओर नाहर सिंह पर फूल छाप होने के आरोपों से बैठक गूंज गई। बहरहाल जो तस्वीर सामने आई है वो कमलनाथ की या मध्य प्रदेश कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। न्यूज डेस्क INT 24।